इंसान की जिंदगी अजीब अजीब सिलसिला है और वही को नाजिल की इस दुनिया के अंदर सिर्फ इंसान की जिंदगी को ही मौजू बना के भेजा गया। माजी के दानिश्वर हो, हाल के हों या आने वाले जो भी होंगे, लम्हा फिक्रिया और तफक्कुर और तदब्बुर का महवर इंसान ही था, इंसान ही रहे। और इंसान का रब्त इस कायनात के साथ क्या है और उसका रब्त और ताल्लुक अपने साथ क्या है और उसका रब उस मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस उस जात के साथ क्या है, ये सवाल ऐसा नहीं है कि आज मैं इस पर बात कर रहा हूँ तो माजी में नहीं हुई थी या सदियों से इंसान तलाश नहीं कर रहा कि वो कौन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल एसेंस ऑफ दिस लाइफ, ये जिंदगी चीज़ क्या है, मसाइब क्या है, ये दुख क्या है, ये तकलीफ क्या है। ये बातें हमेशा से थी, हमेशा से रही और हमेशा से लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा के अंदर मशगूल है। बहरहाल मौजू पे जाने से पहले मेरा आज का मकसद भी कोई दलाइल के लंबी अंबार लगाना नहीं है, मैं तो सिर्फ कौम का गम बांटने आया, दुख कम करने आया और मैंने 17 साल इस फील्ड में सिर्फ लोगों को हौसला ही दिया है और टूटे हुओं को सहारा देने की कोशिश की है, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी तकलीफ दे जिंदगी है, इसकी रहमतें भी हैं बरकतों से। मैं इससे हट के कह रहा हूँ कि इंसान का गम एक अजीम गम है, एक गम इतना दायमी है कि आप इस दुनिया में कुछ भी बना लें, व्हाटएवर यू कंस्ट्रक्ट इन दिस लाइफ ऑफ योर्स, वो गम कभी कम नहीं होगा। हाँ, कम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, लेकिन इंसान से जुड़ा रहेगा वो है एह बे तू मिनहा जमिया के तहत हमें जब जन्नत से बाहर किया गया, अल्लाह की कुर्बत से हमें जब दूर किया गया और उन जन्नतों से दूर किया गया, ये गम कभी ख़त्म नहीं होगा। ये खला फितरत में इस तरह की रहेगी कि इंसान जितना भी तरक्की कर ले और दीन में भी जितना एक्सेल कर ले और जितना आगे बढ़ जाए, मगर वो दूरी तो एक है और हमेशा रहेगी, वो ख़त्म ही, वो कलेजे की ठंडक ही जन्नत में अल्लाह के पास जाके होगी, लेकिन दुनिया में वो सिर्फ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब से ही ख़त्म होती है कि जितना अल्लाह को इंसान याद कर लेगा वो एक दायमी जो है ना, और दायमी जब से हम इस दुनिया में हैं वो इंसान की तर, वो महफलों में, वो महफलों के शोर को दौलत के अंबार में, तरक्कियों के उन सफ़र में भी बड़े बड़े लोगों की और छोटे छोटे लोगों की और बड़ों की और बच्चों की और मर्दों की और औरतों की वो खला नहीं पूरी हो सकती। फिर इस जिंदगी के अंदर जो इब्तिदा से इंतहा तक प्रोसेस है, द जर्नी ऑफ अ मैन, उस जिंदगी का सफर जो वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, माँ के पेट से पैदा होने के बाद से लेके कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत तक जाएगा, ये सिलसिला भी गमों का सिलसिला है, तकलीफों का सिलसिला है। ये लाइफ इज नॉट अ वॉक इन अ पार्क और पीस एंड कैरेट्स के